बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 7 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल एंड इट इज़ योर मैथ्स पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 25 एज वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट ऑफ क्वेश्चन बी ऑफ एक्सरसाइज 2.3। नाउ मूव टूवर्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर बी। पार्ट नंबर 7 हमारे पास 2924 / 5569 न्यूमिरेटर को हम अलग करेंगे और डिनोमिनेटर को हम अलग करेंगे। पहले हम न्यूमिरेटर को कर लेंगे। हमारे पास न्यूमिरेटर में क्या वैल्यू है? 29241। पेयर्स बना लेंगे हम लोग लास्ट से 41 फिर 92 का और लास्ट में हमारे पास एक बचेगा 2। हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 टाइम 1 इज़ 1। हम 2 में से 1 लेस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। वही 1 हम साइड पे लेकर ऐड भी करेंगे। जब हम वहाँ पे साइड पे ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पेयर है उसको नीचे उतारेंगे। 2 में से हमने 1 लेस किया तो हमारे पास 1 आ गया था। उसके बाद दूसरा पेयर है 92, उसे हमने नीचे उतार दिया। हमने जब ऐड कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 क्या था? 2 आया। तब हम 2 के साथ भी 7 लिखेंगे, 2 के नीचे भी 7 लिखेंगे। तो ये क्या होगा? 27 × 7 = 189। हम ऊपर भी 7 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके हमने बॉक्स के अंदर लिखना है और ऐड हम लोगों ने साइड पर करते जाना। तो 27 × 7 इज़ क्या हो गया? मेरे पास 189। 8 × 8 इज़ हमारे पास बड़ा आ रहा होगा, तो इसलिए हमें 27 × 7 लिया है। जो 192 से क्या है? छोटा आया, तो वो क्या है? 189। 192 में से 189 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पेयर उतारेंगे 4 और 1, तो ये कितना हो गया? 341। इस तरह से हम साइड पे इसको ऐड भी कर देंगे। 7 और 7 ऐड करेंगे तो 14, 4 इधर 1 करेंगे, 2 में 1 ऐड किया तो 3, तो ये कितना हो गया? 34। यहाँ पे साइड पे 34 है और अंदर 341 है। तो अगर हम इसके साथ पे भी 1 लिखेंगे, नीचे भी 1 लिखेंगे, मतलब 341 × 1 = 341। तो ये क्या हो गया? जो हमारे पास क्या बच गया? 0। 341 में 345 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और इसी को साइड पे हम ऐड भी कर देंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 4 ऐसे ही आ जाएगा और 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अंडर रूट 29241 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 171। इस तरह से हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है? 55696। अब इसके हम पेयर्स बना लेंगे। 9 और 6 का पेयर बना लिया, फिर हमने 5 और 6 का पेयर बना लिया और लास्ट में हमारे पास एक 5 रह गया। अब इसे हम 2 की टेबल से करेंगे। 2 × 2 = 4। 5 में से 4 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इसी 2 को हमने साइड पे क्या भी करना है? ऐड भी करना है। जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे साथ साथ उसी को साइड पे ऐड भी करते जाएंगे। 2 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 5 में से 4 लेस किया तो क्या आ गया था? 1 आ गया था। दूसरा पेयर नीचे उतार लेंगे 5 और 6। पेयर जो बना रहे वो पूरा पेयर नीचे उतारेंगे। उसी को हमने साइड पे ऐड कर लिया था तो हमने 2 में 2 ऐड किया तो क्या आया था? 4 आया था। और अंदर क्या है? 156। अब 4 के साथ हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। 4 के साइड नीचे भी 3 लिख दिया, मतलब 43 × 3 इज़ क्या आ गया हमारे पास? 129। 156 से छोटा। अगर यही हम 44 × 4 करते हैं तो 156 से बड़ा आता है, इसलिए हमने 43 × 3 लिया। वो हमारे पास क्या आ गया? 129। 156 में से 129 को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 27। इसी के साथ हम दूसरा पेयर नीचे उतार लेंगे, वो हमारे पास क्या है? 96। साइड पे हम लोग ऐड भी कर लेंगे। 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और 4 ऐसे नीचे आ जाएगा। हमारे पास क्या है? 2796। अब 466 × 6 इज़ हमारे पास क्या हो गया है? 2796। डिनोमिनेटर हमारे पास बच गया 0। इसी 6 को हमने साइड पे ऐड भी कर दिया। 6 में 6 ऐड किया तो 12। 2 इधर 1 क्या है? 6 में 1 ऐड किया 7। 4 ऐसे ही नीचे उतार दिया। के साथ हमने हर नंबर को ट्राई करना है, मतलब हम उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 46 के साथ भी 2 लिखेंगे, नीचे भी 2 लिखेंगे। उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। जब तक 2796 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता या फिर 2796 नहीं आ जाता, हमने उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। लेकिन उसके साथ और उसके नीचे हमने सेम ही नंबर लिखना है। जो नंबर हम ऐड करके लिख देंगे उसके साथ हम स्टार्ट 2 से लेंगे और उस वक्त तक हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक वो नंबर ना आ जाए, या उससे जब बड़ा आ जाए तो हमने स्टॉप कर लेना है। उसी नंबर को हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करते रहना है और उसी नंबर को हमने साथ साथ ऐड भी करते रहना है। अंडर रूट 55696 का आंसर क्या हो गया? 236। अभी हमें फ्रैक्शन में गिवन था तो हम इसका आंसर भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। हम लिखेंगे अंडर रूट 29241/55696 = 171/236। नंबर 9 है हमारे पास 648.7209। इसके भी हम पेयर्स बना लेंगे। अब एक पेयर हमने 09 का, 172 का, फिर पॉइंट के आगे 148 का और 16 का, ऐसे छोड़ दिया। 6 इवन नंबर है, अब इसे हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 × 2 = 4। 6 में से 4 को लेस किया तो 2 बच गया और यही 2 हमने साइड पे ऐड भी कर दिया। 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर को साथ उतार लेंगे 4 और 8।
तो ये कितना हो गया 248। 4 के साथ भी 5 लिखा और 4 के नीचे ही 5 लिखा, मतलब 45 टाइम 5 इज 225। 248 में से 225 को लेस किया तो क्या आ गया हमारे पास 23, और इसी 5 को हमने यहाँ पे नीचे साइड पे लिखकर ऐड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करके हमने बॉक्स में लिखना है और यहाँ पे साइड पे हमने ऐड भी करते जाना है। अब 5 में 5 ऐड किया तो 10, 0 इधर 1 ऊपर चलेगा कैरी, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब यहाँ पे 48 के बाद कितना पॉइंट था तो ये पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 25 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट काम पॉइंट को बस हमने ऊपर शिफ्ट कर देना और पॉइंट, बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है, पॉइंट को हमने ऊपर शिफ्ट कर देना है जब जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। अब हमने 23 लिख दिया यहाँ पे, अब हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारना है। नेक्स्ट पेयर क्या है, 7 और 2, 7 2 को नीचे उतारेंगे। अभी कितना था हमारे पास साइड पे, 50। अब हमने 50 के साथ क्या लिखा, 4 लिखा, मतलब 504 टाइम 4 इज़ क्या होता है 2016। इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, 356। और हम नीचे हमारा सेकंड पेयर साथ में उतारेंगे 0 और 9, और यही इसको साइड पे ऐड भी कर देंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा नीचे ही ऐसे। अब 508 आ गया है और यहाँ अंदर क्या है, 35609। इसके साथ ही हमने 7 लिखा, इसके नीचे भी 7 लिखा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35609। अंकल हमारे यहाँ पे 0 आ गया साइड पे, हम इसको ऐड कर देंगे, 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14, 4 इधर 1 ऊपर कैरी चल जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 0 ऐसे ही आ जाएगा और 5 भी ऐसे ही आ जाएगा। अंडर रूट 648.7209 का आंसर क्या हो जाएगा, 25.47। अब इस समय से पार्ट नंबर 10 है, 180.9025, इसके भी हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर हमने बना लिया 25 का, एक 90 का और एक हमने 80 का बना लिया और 1 ऐसे ही रह गया। अब हम 1 को करेंगे, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 में से 1 लेस किया तो 0 बच गया, और यही 1 हम साइड पे ऐड भी कर देंगे तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है, 8 और 0, तो अब ये कितना हो गया, 180। अब 2 के साथ भी 3 लिखा और 2 के नीचे भी 3 लिखे, मतलब 23 टाइम 3 इज़ क्या होता है, 69, 80 से छोटा। 80 में से 69 को लेस करा तो हमारे पास क्या आ गया, 11, और यही 3 हमने साइड पे ऐड भी कर दिया, 3 में 3 ऐड किया तो 6 और 2 ऐसे ही आ गया नीचे, ये कितना हो गया, 26। और फिर हम दूसरा नेक्स्ट पे उतारेंगे, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, 90, वो हमने नीचे उतार लिया, 1190 आ गया हमारे पास। अब हमने 26 के साथ भी 4 लिखा, उसके नीचे ही 4 लिखा, मतलब 264 टाइम 4 इस हमारे पास क्या होता है, 1056। इसको हमने लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 134। अब हम नेक्स्ट पे उतार लेंगे, वो क्या है, 2 और 5, तो ये कितना हो गया, 13425। इसी को साइड पे हमने 4 को हमने ऐड भी कर दिया, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 ऐसे ही आ जाएगा, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। हमने इसके साथ भी 5 लिखा, उसके नीचे ही 5, मतलब 2685 टाइम 5 इज़ क्या होता है, 13425। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13425। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा, 0, और यही 5 हम साइड पे ऐड भी कर देंगे, 5 में 5 ऐड किया तो 10, 1 कैरी चल गया, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 6 भी ऐसे आ जाएगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा। पॉइंट जो है जैसे यहाँ पे आ रहा है उस ऐसे हम ऊपर उसको शिफ्ट कर देंगे, तो अंडर रूट 180.9025 का आंसर क्या हो जाएगा, 13.45। पार्ट नंबर 11 हमारे पास 727.9204। अब इसके भी हम पेयर्स बना लेंगे ऐसे, पहले हम 7 को करेंगे, मतलब 2 टाइम 2 इज़ 4, 7 में से 4 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3, और यही 2 हम साइड पे ऐड भी कर देंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, उससे पहले हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास, 9 और 2, अभी कितना हो गया, 5192। अब इस तरह से हम 6 को साइड पे ऐड भी करेंगे, 6 में 6 ऐड किया तो 12, 2 इधर 1 कह गया, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब हमने 52 के साथ भी 9 लिखा, 52 के नीचे हमने 529 टाइम 9 इस किया गया हमारे पास, 4761। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 431। दूसरा पेयर नीचे उतार लेंगे, 0 और 4, साइड पे उसी 9 को हम ऐड भी करेंगे, 9 में 9 ऐड किया तो 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 5 ऐसे नीचे आ गया। अब 538 आ गया हमारे पास। अब इसी के साथ हम एक और, मतलब हमने 8 ले लिया और नीचे भी हमने 8 ले लिया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 43104, और उसी 8 को हमने साइड पे ऐड भी कर लिया, 8 में 8 ऐड किया तो 16, 1 कैरी चला गया, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 3 भी ऐसे आ गया और 5 भी ऐसे ही आ गया। तो अंडर रूट 727.9204 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 26.98। अब इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, 7613.609536। पेयर्स बना लेंगे, हमने पेयर्स बना लिए, एक 36 का, एक 95 का, एक 60 का, 13 का और 76 का। यहाँ पे हमारे पास कोई सिंगल नहीं आ रहा, सब हमने पेयर्स बना लिया, पेयर्स का नाम बना के हम सॉल्व करेंगे। पहले है 76 को हमने 8 के डबल से किया है, 8 टाइम 8 इज 64, 76 में 64 को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12, यही 8 हमने साइड पे ऐड भी कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 16।
नेक्स्ट पे नीचे डालेंगे वो क्या है 13। अभी कितना हो गया 1, 2, 1, 3। साइड पे हमने क्या ले लिया 16 के साथ 7 ले लिया, नीचे भी 7 ले लिया, मतलब 167 टाइम्स 7 इस क्या लिख लिया हमने 1169। लेस किया इसको तो हमारे पास क्या आ गया 44, और यही 7 हमने साइड पे ऐड भी कर दिया, 7 में 7 ऐड किया तो 14, 4 इधर नीचे आ गया, 1 कैच रह गया, 6 में 1 ऐड किया तो 7 और 1 ऐसे ही आ गया नीचे। अब हम नेक्स्ट पे उतारेंगे, उससे पहले हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पे उतारेंगे। नेक्स्ट पे क्या है 6060। हमने 174 के साथ 2 लिखा और नीचे भी 2 लिखा, मतलब 1742 टाइम 2 इस क्या आ गया हमारे पास 3484। इसको हमने लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 976। अब इसी को हम साइड पे ऐड भी कर देंगे, 2 ऐड किया तो 4 आ गया, दूसरा 4 ऐसे ही नीचे उतार दिया, 7 भी ऐसे आ गया, 1 भी ऐसे आ गया। नेक्स्ट पे उतारेंगे, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है 5। हमने 1744 के साथ 5 लिखा और उसके नीचे भी 5 लिखा, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 87225। इसमें जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10470, और इसी 5 को हमने साइड पे ऐड भी कर दिया, 5 में 5 ऐड किया तो 10, 0 1 कैरी किया, 4 में 1 ऐड किया तो 5, दूसरे 4 भी ऐसे आ गया, 7 भी ऐसे आ जाएगा, 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने अपना लास्ट पे उतारेंगे, लास्ट पे हमारे पास क्या है 36। अब हमने 175450 के साथ भी 6 लिखा, नीचे भी 6 लिखा, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओवरऑल यही टर्म आ गई 1047036। इसी 6 को हमने साइड पे ऐड भी कर दिया, 6 में 6 ऐड किया तो 12, 2 इधर 1 कैच रह गया, 1 में 0 ऐड किया तो 1, बाकी 5 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 के नीचे भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है उसे हम ऐसे नीचे डालेंगे, 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अंडर रूल 7613.609536 का आंसर क्या हो जाएगा 87.256। ये आप लोगों का होमवर्क है, इस लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 7, 9, 10, 11, 12 करवाए गए हैं डू इन द रजिस्टर, आपने वो पार्ट अपने रजिस्टर में क्या करने हैं कॉपी करने हैं, इसके अलावा पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 6 आपने एज अ होमवर्क अपने मैथ्स के रजिस्टर में करना है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।